खबर को आसवा तमिलनाडु कुन्नूर वायुसेना हेलिकप्टर क्राश घटना दुर्घटनाग्रस्त वायुसेना हेलिकप्टर में थे जड़े ओडिया जवान जूनियर वारंट अफिसर राणा प्रताप दास शहीद जवान घर तालचेर कुंडाला पंचायत कृष्णचंद्रपुर गांव में गत 12 वर्ष धरी एयरफोर्स जूनियर अफिसर भाव से कार्य करुते 32 वर्ष वयस्क राणा प्रताप बहित एक वर्ष पुओटी गांव में उभय बापा रुचान उभय बापा हृदरोगी होवान पुअर शहीद खबर दि जाए ना तेरे घटना परे अंचल रे शोकर छाय खेली जाइछि। मु कंडाल जीपी रणे का शहीद होती यह खबर सका पाइला बहुत मर्माहत और आत्मार सदगति कामना करवर्ग को शोक सतप्त पर अंतर संवेदना जनवा इच्छा कर गाँव रु से मान्य मोर दादा हे कि कौन करवा यह खबर शुणी समस्ते गाँ जिते सब गाँ मटी आम जिते सब समस्त शुणिकी गभर शोक प्रकाश करु आम जेजेपा जो हे से एपर्त जाके खबर किसी जना जाए ना कौन जी जानु आमको कि लगुव कल सन्या खबर पाइल रात भी शोन कि जनइन एम खाली देखापी जहाँ टे आस देख खाली से कौन बापा तो हार्ट मार मुंडी कम करें संभा पकए मालकानगिरि जिला बंडाघाटे रास्ता अवस्था बेहाल मरणजंता पलटि रास्ता खैरपुर मुदुलीपड़ा को पक्का रास्ता होता बेले मुदुलीपड़ अंड्राहाल पाखापाखि 12 किलोमीटर रास्ता 5 वर्ष होगा कम आरंभ होम सर ना ने जहां भी कम हो पुणी निम्नमानर ग्रामवासी अभियोग कर रास्तार मेटाल सब बाहरी पड़ी फल असुविधार सम्मुखीन होती ठिकादार मनमुखी कार्य को विरोध कर ग्रामवासी आगामी दिन में यह आंदोलन रूप ने चेतावनी संजोग हबो एवं संजोग हो सारापर गाँ को विकास आसिबो एही सबु को आखि आगरे रखी केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलित भावे गाँ गाँ को रास्ता संजोग करा जिवो बोली कि निष्पत्ति नहीं गाँ गाँ को रास्ता संजोगकरण किंतु जो बंडाघाटी जो चित्र कथा कहवा आम आसी पहुँचीचु जो अंडा हल जो दुर्गम अंचल बंडाघाटी ये दुर्गम अंचल पहुँची आम देखा बेलू जो मुदुलीपड़ा ठार् अंडा हल पाखापाखि 10-12 किलोमीटर रास्ता यही भाव पक्का रास्ता हो पारिना कारण जो मटी मुरु मेटल रे जो रास्ता निर्मित होकि 5-6 वर्ष हे निर्माण है किंतु ये रास्तार कौन उन्नति होना कि ग्रामवासी को रास्ता कौन सहायक हो पारना कहीं रास्ता आगक हो पारना और कौन यार कारण आम सहित गोटे ग्रामवासी अच्छा आम तुम्हें बुझा जे आज्ञा कौन कहे का जो रास्ता हो पारना कौन असुविधा होने कंट्राक्ट को कहलु कंट्राक्ट कल 4-5 वर्ष होलानी कंट्राक्ट भी शुणला ना कि ना एमती अवस्था अच्छे तार पचे ए कलेक्टर को सिलेक्ट कर देचु कलेक्टर भी शुणला ना तार पचे एमएलए को सिलेक्ट कर देले एमएलए भी शुणी ना किए भी शुणी ना तार ग्रामवासी अभियोग करें तार पचे ब्लॉक को आंदोलन करूँ कहते निश्चित भाव विभिन्न राजनेता हूँ कि उच्च पदवी अधिकारी हूँ समस्त को यही अभियोग जनई किंतु कौन सी अधिकारी हूँ कि एमकर कौन सी असुविधा से बुझी ना यही सब फल कौन असुविधा हो तुम ये रास्ता ना फल रास्ता ना फल आज एम्बुलांस फम्बुलांस मिसा आस ना कि मेटाल गाड़ी गुड़ा आस ना किसी ना पेसेंट आसा आना निया करने बेस असुविधा होती तार सबकि असुविधा होती देखता मेटाल पाखन बाहर कमी जा निश्चित भाव जो विभिन्न जो माटी मुरुम रही तो एवं रास्तार उठी पड़ला निश्चित भाव गोटे कम निम्न मान रही ग्रामवासी मैंने अभियोग कर सारे किंतु जो ठिकादार अच्छा से निजर मनमुखी कार्यपाई ए गाँव को विकास आसी पारना कारण ये रास्ता गाँव को संजोगकरण हो पारना जहाँफल कि जो आंबुलांस अच्छा जो रोगी मेडिकल ट्रिटमेंट होगापी जाऊँगी कितु से ठीक समय से चिकित्सा हो पारना जहाँफल कि एवं ग्रामवासी मैंने उत्त्यक्त होती आगामी दिन में यो रास्ता कम जो शीघ्र शेष न हो पारल यह तीव्र आंदोलन गति नब बोली ग्रामवासी मैंने अभियोग करे देखा रहा यो गाँ को आज पर्यंत तो 5-6 वर्ष हे ये गाँव में रास्ता संजोगी हो पारानी कितु एवं देखा बाकी रहा गाँ को रास्ता पक्का रास्ता केवे संजोग हम ए गाँव में विकास दिग केत आड़क जीव मालकानगिरी बंडाघाटी अंड्राहल महेन्द्र पाणिग्रे न्यूज 18 ओडिया।
खोर्धा बेगुनिया ब्लक रे चासी असंतोष। प्रधानमंत्री फसल बीमा को नहीं एकाठि हेले समस्त पंचायत चासी। 21 पंचायत चासी चलित वर्ष विभिन्न ब्यांक और समवाय समिति जरिया फसल को सुरक्षा देवा को प्रधानमंत्री फसल बीमा करते। बात्या जवाद पूर्व क्रप कटिंग रिपोर्ट जाता बात्या प्रभाव में संपूर्ण भाव में फसल नष्ट हो जाएगी, किंतु बीमा कंपानी को जोजोग कले कौन सुफल मिल नाषी अभोग कर। कपिलेश्वर मंदिर में ब्लक समस्त चाषी एकत्रित हो एक जरूरीकालीन बैठक करते। आसंता 16 दिन मध्य क्षयतिर आकलन कर क्षतिपूरण नदे आगक आंदोलन को ओह्लैबे चाषी चेतावनी देते। आमे कोऑपरेटिव सोसाइटी रे समस्त चाषी जमी इंश्योर्ड करिछु। आमको कोऑपरेटिव सोसाइटी देई दबा कथा इंश्योरेंस कहीं सी दे पारुनी ना सी इंश्योरेंस ऑफिस रे टंगा डिपॉजिट होइछि। जो जमी पे आमे इंश्योरेंस करिछु से जमीर फर्स्ट पार्टी किए सेकंड पार्टी किए थर्ड पार्टी चाषी कहीं बुझे आज्ञा। इंश्योरेंस कंपनी सबुबले तार पैसा टाक आदाय करने जिते तत्परता प्रकाश पाँच ये क्षय क्षति आकलन करने से पर्यंत चाषी पाखे पहुँची पारा ना। इन्सुरांस कंपनी प्रारंभिक स्तर में समिति स्तर में प्रचार प्रसार जरिया कही जदि कौन सामान्यतम क्षति हुए इन्सुरांस कंपनी टोल फ्री नंबर में फोन कले इनक्वारी करी तत्काल से सुविधा सुजोग देवे। मात्र परितापर दुखर विषय एबे निकट रे जो जवाद वर्षा हला चाषी माने अनेक फोन नंबर फोन कले टोल फ्री नंबर रे किंतु से फोन नंबर रे फोन रिंग हो सतो से माने उठो ना दी। कोरापुट एसडीजेएम कोर्ट रे पहुंचले एनआईए रो दुईजणिया टीम गिरफ हार्डकोर माओ नेता दुभासी शंकर को पचराउचरा करबा पई अनुमति लोडिले। गत 2012 मसिया रे मालकानगिरी जिला चित्रकोंडा रे बीएसएफ एवं नक्सल मध्ये होइतिबा विस्फोरण बेले जणे कमांडेंट एवं जणे असिस्टेंट कमांडेंट कर मृत्यु होइतिला। सेने गिरफ होइतिबा माओ नेता दुभासी शंकर को पचराउचरा कराजियो बोली सूचना मिलिछि। दुभासी शंकर रिलीज अरुण को गत सेप्टेम्बर मास 13 तारीख रे कोरापुट पुलिस कोरापुट जिला बैपारीगुड़ा निकट रु काबू करथिला। हार्डकोर माओ नेता दुभासी शंकर नाँ 2,00,000 पुरस्कार अच्छी। मालकानगिरी और कोरापुट जिलार बहु घटन अरुण संप्रक्त रही है। अरुण 1987 मसीह माओ संगठन में सक्रिय रही। आंध्रप्रदेश पुलिस निकट में दुभासी शंकर विरुद्ध में 32, तेलंगाना 24, मालकानगिरी 17 और कोरापुट पुलिस निकट में 4 मामला थी तदंतर जमापड़। स्पेशल जज भुवनेश्वर ओडिशा एक केस टाको नेचंती आ एक केस रे ए अक्यूज्ड ए आईईडी ब्लास्ट जोडा हेथला बाय सम सस्पेक्टेड आर्म मस्ट जमती के सेवने जा द्वारा की 4 जण बीएसएल पर्सनल मन कर डेथ हे जितला और 2 ऑक्युपेंट्स जो माने थिले परमिशन दिया जाओ जे हमें जेल भीतर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल अथॉरिटी कोरापुट को कहले कि डायरेक्शन दियंतु जे सेमाने हमको अलाउ करबे जेल भीतर ताको इंटरोगेशन करबा पई। तो दुई जणिया टीम एथर जयपुर का जे आछंती देखल कथारो से जो दुबाची शंकर जो नक्सल अपडेट जर जे अरेस्ट हे गछंती बयपरिगुडा र थाना र केस रे से संबंध रे तंकर गोटे केस अछि मतलब से केस रो इन्वेस्टिगेशन पर्पस में आछ इन्वेस्टिगेशन पर्पस में इंटरोगेशन में प्रेयर करते हैं तू सब लाइन में प्रेयर करते हैं प्रेजेंट यू प्रेयर फर्स्ट। धारणार मयूरभंज जिला बारीपदा पौर परिषद सफेई कर्मचारी 6 मास बकेया ईपीएफ टंका न मिलिबारु कार्यालय परिसर धारणा दैछंती कर्मचारी। सफेई कर्मचारी बकेया रखिथिबा 6 मास ईपीएफ टंका पौर परिषद कार्यालय प्रदान करदेइथिबा नै सूचना दैथिले। पौर परिषद अधिकारी मध्ये बकेया टंका गत दुर्गापूजा सुधा प्रदान करबा नै प्रतिश्रुति दैथिले, किंतु उक्त बकेया टंका प्रदान करा जाय नथिबा कर्मचारी असंतोष प्रकाश करिछंती। एने अधिकारी सह बारंबार आलोचना करथिले मध्ये एपर्यंत कोनोसी सुफल मिली नाही। तेणु आज 200 रु अधिक सफेई कर्मचारी बारीपदा पौर परिषद जाई बकेया टंका शीघ्र प्रदान करा दाबी करबा सह काम बंद रखिछंती। सफेई कर्मचारी मानकर पीएफ टंका मिल नथिबारु सेमाने आसी बारीपदा म्युनिसिपालिटी समुखरे धारणा देइछंती। आमे सीधा सख आलोचना करिबा काहेकि टंका मिली नै कोउट रहउछि असुविधा एवं क्या जनईले आम पचार बुझा यो के दिन धरी आपने कर्मचारी कम कले आपकी कम करके सरकार आप शुणुना आम सफा करूँ रास्ता झाड़ू मारू आउ पु पा मैंने सब नाड़ुआ फाड़ुआ सफा करती है डस्टबिन पकईपर कहीदे आम तो सफे कर्मचारी आम कहते जोबले से टेडर देखू महांती सार को जे बाहरिया लोक को दिनी टेंडर आउ एमती परमेश्वर आमर पैसा मारिक खाईकर चलीगला आउ तुम्हें ताकू दिनी महांती सार कहलाजे आउ 7,000 7,00,000 टाँह आम तो काटिकिना रखवा
आउ जा असुविधा हम तुम मेनकार आउ आम तुम मेनकार सब कथा बुझा कहीकिना रहीगले से मैडम फेर चेंज हो गला पंद्रह दिन पर आज दु वर्ष है फेर अन्य को आसले मानती सार को जल को से मैडम आसले जड़े मैडम तो आम जानू ना हाँ भी जन तो सबकि दरमा लगू बढ़ी से देने पैसा भी आमको दौना चलीगला से मैडम जी आसी से मैडम भी कही करोना टाँग देवे से देने उदूल बाबू कही रिक्स नहीं यहाँ अफिस रही तो ये पैसा देदेब तुमको यही इपीएफ पैसा देदेवे कही उदूल बाबू को कहला सी कौन मैडम से मैडम कहीं आसी इपीएफ कथ बुझा आशा करूँ तुरंत जो रही जिला प्रशासन रही सब कलेक्टर रही निश्चित हस्तक्षेप करूँ ए महिला मैंने जो पुरुष मैंने प्रतिदिन सफेई कर्मचारी काम नियोजित होता केमी से तुरंत बकेया राशि पाइपर तुरंत ध्यान देवा आवश्यकता रही बरम जिला बारीपदा म्युनिसिपालिटी सम्मुख रवींद्र कुमार नायक न्यूज इंडिया बंदे उत्कल जननी रचयिता कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र आज 134वां जयंती चलचंचल हो उठी जन्ममाटी भद्रक कांत कवि लक्ष्मीकांत केवल ओडिशार संगीत बंदे उत्कल जननी स्रष्टा भाव नुहंती जने प्रचंड प्रतिभावान सारस्वत साधक भाव ओडिशार पुरपल्ली में परिचित सकाळे सारस्वत अनुष्ठान पुण्य उत्कल विशिष्ट व्यक्ति साहित्य संस्कृति अनुष्ठान पक्षर् भद्रक बाईपास निकट में स्वतंत्र कार्यक्रम कर कांत कवि प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पण हो अवसर इंजीनियर अभय सुतार अध्यापक निहारंजन कर सांबादिक रविनारायण खिलार कवि भरत चंद्र दास समाजसेवी चैतली खिलार प्रमुख कार्यक्रम में उपस्थित थे।